अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज तुम्हारी बेटी की जान बर्बाद आई है, तुम्हें जो चाहिए हम वो करेंगे। हम अभय जी के बच्चे की माँ बनेंगे। पर अभय जी मानेंगे? उन्हें मानना ही पड़ेगा भाभी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता तुम्हारी ये बात। अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो बिंदिया? मैं बात कर रहा हूँ ना डॉक्टर से। अरे तुम थोड़ा सा भी रुक नहीं सकती थी क्या? नहीं रुक सकते थे। एक एक पल कीमती है अभय जी। अरे इंजेक्शन दे दे के डॉक्टर हमारी आधिया को जिंदा रख रहे हैं। हमें जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए हमें आपसे बच्चा चाहिए। चाहे जो भी हो या फिर अंजुमा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। अभय जी, हमारे अभय, बिंदिया, अम्मा जल्दी आओ, आधी आके खोलो। अरे क्या हो गया? आध्या, अभय, आध्या, 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 बेटा, आध्या, 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 बेटा क्या हो गया आध्या? डॉक्टर को फोन करो जल्दी प्लीज। हेलो डॉक्टर, आध्या बेहोश हो गया, आप जल्दी घर आ जाइए जल्दी। आध्या बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा प्लीज। आध्या अब बहुत जल्दी जल्दी इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं, ऐसे तो इसका असर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमें आदिया का बोन मैरो ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द करना होगा। इस छोटी सी बच्ची को आखिर हम कब तक इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयां देते रहेंगे? लल्ला, आदिया को तू ही बचा सकता है। वो कहा है लल्ला कि कभी कभी ना अपनों की खातिर इंसान को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो वो उठाना नहीं चाहता है। अरे तू ऐसा क्यों सोच रहा है लल्ला कि तेरे ऐसे करने से बिंदिया के साथ अन्याय होगा? नहीं लल्ला नहीं, तुझे तो सिर्फ आदिया के बारे में सोचना है। देखना, हम तो बिंदिया को देखते हैं ना तो हमें तो बहुत तरस आता है उसकी किस्मत पर। अरे कितनी मुश्किलों से तो तू मिला है उसे, अपनी बेटी को बचाने के लिए वो खुद किसी और को देने के लिए राजी होगी तुझे? क्योंकि वो इस समय ना एक पत्नी की तरह नहीं, एक माँ की तरह सोच रही है। अरे वरना एक पत्नी अपने ही पति को किसी दूसरी औरत के साथ भेज सकती? अरे उसके लिए ना लोहे का जिगरा चाहे। लल्ला तुझे भी एक बाप बनना होगा, तुझे अपनी बिटिया के बारे में सोचना होगा, एक बाप की तरह सोचना।
ये जानते हुए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मुझे किसी और के पास भेज रही हो? से हमारे हैं अभय जी और हमारे ही रहेंगे। और अभी हमें सिर्फ आदिया को बचाने के बारे में सोचना है। पिता है आदिया के और आप अपना कर्तव्य निभाइए। हमारे लिए भी आदिया की जान से बढ़कर अभी कुछ भी नहीं है और आपके लिए भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ माता रानी पे छोड़ दिया है। अब आदिया को बचाने की जिम्मेदारी इनकी है। जो ये चाहेंगी वही होगा, लेकिन अगर माता रानी के मन में कुछ और है तो हम जैसा सोच रहे वैसा नहीं होगा। फिलहाल अभी से फातिया को बचाने के बारे में सोचिए। फिर आगे माता रानी की मर्जी। कर्तव्य निभाइए। हमारे लिए भी आद्या की जान से बढ़कर अभी कुछ भी नहीं है। मान गए तुमको बहू रानी। अरे तुम तो हमरे तुरप का इक्का निकली। इतने दिनों तक उनके साथ रही पर काम हमरा करती रही। गजब। हाँ माँ जी, कभी कभी जो काम एक तलवार नहीं कर पाती ना, वो एक छोटी सी सुई क्यों ही कर जाती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब देखो ना, छोटी सी रपट की हेरा फेरी में सब काम हो गया। अभय जी मिलकर भी नहीं मिल पाए उस बिंदिया को। अब वो वैसे ही घर छोड़कर चली जाएगी। एकदम सही खेल खेला है आपने माँ जी। इसकी हितेशी बना दिया मुझे ताकि
तो खुद ही अपने पति को अपने आप मुझे दे दे। बहुत चोट पहुंचाई है उस बिंदिया ने हमें, पर ये चोट उसकी हर चोट पर भारी है। देखिए बिंदिया सरकार सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।